हेलो नमस्कार दोस्तों, कमलाज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन करी रेसिपी। दोस्तों मटन करी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होती है। सर्दियों में अक्सर आप खाते होंगे, मटन करी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आप घर पर कैसे बनाएं मटन करी, हिंदी के अंदर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ये हमने 1 किलो मटन लिया है, सबसे पहले बिल्कुल ताज़ा मटन मार्केट से लेकर आए हैं। बिल्कुल लाल वाला मटन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल लाल मांस है। और उसके बाद हमने ये दो प्याज, जिन्हें हमने छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट लिया है। यहाँ पर ये दो टमाटर लिए हैं, इनको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्ची, जिनको छोटे छोटे पीसेस के अंदर काट लिया है हमने। 25 से 30 लहसुन की कलियाँ, जिन्हें बारीक पीस लिया है। और ये 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल लिया है। इसको इसकी जगह पर हम रिफाइंड तेल या जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। वैसे सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसलिए हमने सरसों का तेल लिया है। यहाँ पर ये 3 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर लिया हमने, ये देखिए मिर्ची पाउडर। 3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया हमने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मटन है इसको हम धो लेते हैं, थोड़ा गंदगी आ जाती है मटन के अंदर तो बाल वगैरह चिपक कर आ जाते हैं मटन में। तो इसको सबसे पहले धो लेंगे मटन को, बिल्कुल अच्छे से हाथों से रगड़ कर अच्छे से 4-5 बार धोना है। 4-5 बार पानी के अंदर से निकालना है इसे, ताकि इसकी जो गंदगी है वो बाहर निकल जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से धोएंगे मटन को। जो इसके अंदर अन्य जो खराब पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, जो भी कोई चिपक कर बाल वगैरह आ जाता है, इसका जो बकरे का बाल आ जाता है पकड़ कर इसके अंदर, उसको बाहर निकालेंगे ताकि मटन का स्वाद है वो ख़राब ना हो जाए। तो ये देखिए मटन को बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया है और इसको बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लेंगे और अलग बर्तन के अंदर निकालेंगे अभी से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अलग बर्तन में रख दिया है मटन को। पूरा ऐसे ही प्रोसेस करेंगे, पूरा मटन को एक बार में ऐसे ही धोकर और अलग बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। बिल्कुल अच्छे से साफ़ करना है, गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखनी है हमें, इस बात का ध्यान रखें। और जो वेस्टेज पानी बचता है इसे फेंक देंगे बाहर। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा जो मटन है इसे हमने अलग बर्तन के अंदर, अलग प्लेट के अंदर निकाल लिया है बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर कर। और अब तो चलिए अब मटन बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चूल्हे के ऊपर हमने कढ़ाई को रख दी है और कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो रही है, इसको बिल्कुल अच्छे से गर्म करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कढ़ाई के अंदर तेल डालेंगे। ये देखिए तेल डाल दिया हमने और तेल को जो है अच्छे से गर्म करेंगे। 2-3 मिनट तक जो है तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। देखिए प्याज डाल दिए हैं और अब डालेंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची भी डाल दी है। प्याज और हरी मिर्ची को बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। प्याज और हरी मिर्ची जो है वो धीरे धीरे फ्राई हो रहे हैं, इनको बिल्कुल ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज हरी मिर्ची तब तक ब्राउन होते हैं तब तक हम जो है सभी मसालों को एक बर्तन के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक कटोरी ली है, इसके अंदर बड़ी कटोरी, इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे मिर्ची पाउडर और अब डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। और अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा पानी, पानी डालकर जो है पूरे मसाले को मिक्स कर देंगे। ये देखिए पानी डालकर मसाले को हमने चम्मच से मिक्स करना है बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल अलग देसी तरीके से बना रहा हूँ मैं चूल्हे के ऊपर, बहुत ही स्वादिष्ट मटन बनकर तैयार होने वाला है दोस्तों। ये देखिए मसाला पूरा जो है मिक्स हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं पेस्ट बन चुका है मसाले का। प्याज और हरी मिर्ची भी फ्राई हो चुके हैं, अब हम मसाले को इसके अंदर डालेंगे।
तो देखिए मसाले को हमने डाल दिया है और मसाला जो है वो धीरे धीरे पक रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मसाले को बिल्कुल अच्छे से पकाना है। अब थोड़ा सा पानी पानी डाल देंगे ताकि तेल के अंदर मसाला जल ना जाए। ये थोड़ा सा पानी डाला है, ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। मसाला बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, देखिए टमाटर भी डाल दिए हैं, इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और टमाटर को बिल्कुल अच्छे से जो है पकने देंगे, टमाटर को भी इसके अंदर। मसाला बिल्कुल अच्छे से पकना चाहिए, मसाला कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो सब्जी का टेस्ट है वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मसाले को बिल्कुल अच्छे से पकाना है, इस बात का अपने को जो है खास ध्यान रखना है मटन बनाते समय। तो फ्रेंड्स मसाला पक चुका है, अब इसके अंदर हम मटन को डाल देंगे। तो देखिए मटन जो है, मटन की बोटियों को इसके अंदर डाल दिया है मटन को हमने, और मसाले के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मटन बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है मसाले में, और अब इसको 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही चम्मच को लगातार चलाते रहेंगे ताकि मसाला है वो और भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो वीडियो में लगातार बने रहें दोस्तों, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत ही स्वादिष्ट जो है रेसिपी बनने वाली है मटन रेसिपी, ऐसी रेसिपी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बहुत ही स्वादिष्ट आप घर पर बनाकर खा सकते हैं, बाहरी खर्चे से बच सकते हैं, आपको होटल नहीं जाना पड़ेगा। ये देखिए इसको बिल्कुल ऐसे ही चम्मच को चलाते रहेंगे 4-5 मिनट तक। मीट मटन जो है वो उबलने लगा है धीरे धीरे। ये देखिए फ्रेंड, जो मटन है वो धीरे धीरे उबल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लगभग आधा मटन जो पक जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर जो है लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो लगभग आधा मटन थोड़ी देर में पकने वाला है, उसके बाद इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो वीडियो में बने रहें, ये देखिए चम्मच को लगातार चलाते रहना है, बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनने वाली है मटन की। अब फ्रेंड्स इसके अंदर हम डालेंगे पानी मटन के अंदर, ताकि मटन नीचे से चिपक ना जाए, इसलिए पानी डालना है इसके अंदर। तो ये देखिए लगभग आधा लीटर पानी हमने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको जो है चम्मच से इधर उधर करते रहेंगे ताकि मटन चिपक ना जाए। और चूल्हे में आग जो है वो बिल्कुल मीडियम साइज़ में लगी हुई है, जैसा कि आप बिल्कुल चूल्हे के ऊपर देसी स्टाइल से मटन बना रहा हूँ आपके लिए, आपकी वीडियो के लिए बिल्कुल मैंने देसी स्टाइल में मटन बनाया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों ज़रूर, बहुत ही परेशानी में हूँ फिर भी आपके लिए मटन बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मटन लगभग आधा पक चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट। ये देखिए लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और इस पेस्ट को जो है ऐसे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है पेस्ट को। बहुत ही लाजवाब मटन बनने वाला है, खुशबू अभी आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मटन बनाने में हमें लगभग आधा घंटा लगने वाला है, आधे घंटे में मटन सिर्फ बन जाता है। तो लगभग 15 मिनट तो हो चुके हैं इसको चढ़ाए हुए, और 15 मिनट और लगेंगे। तो वीडियो में बने रहें, बहुत ही जल्द मटन का जो है खाने को मिलने वाला है अपने को। तो
ये देखिए फ्रेंड्स, मटन जो है वो धीरे धीरे पक रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से जो है उबल रहा है मटन। और हमने जो है पानी को भी डाल दिया इसके अंदर, जितना पानी डालना है वो एक बार में ही डाल दें, बार बार पानी नहीं डालें, नहीं तो मटन का स्वाद खराब हो जाएगा। इसलिए हमने एक बार में ही पानी डाल दिया इसके अंदर। और अब इसको जो है 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, और चम्मच को भी बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपक ना जाए मटन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, पूरी कोशिश करता हूँ आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने के लिए, और भी अच्छी वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। आपका अगर लाइक करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और भी मैं अच्छी वीडियो बनाऊँगा। तो आप ज़रूर लाइक ज़रूर किया करो, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें, पर लाइक ज़रूर किया करो दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी बिल्कुल जल चुका था इसके अंदर, और थोड़ा सा पानी डाला हमने, लगभग 200 ml पानी और डाल दिया इसके अंदर, ताकि गर्म करके पानी डाला है, 200 ml पानी गर्म करके डाला इसके अंदर। जब भी आपको अलग से पानी डालना हो तो गर्म करके पानी डालें। तो अब जो है ये मीट पक रहा, मटन जो है पक रहा है धीरे धीरे, लगभग आधे से ज़्यादा पक चुका है, लगभग तो 80% मटन बन चुका है ये। तो वीडियो में लगातार बने रहें, बस कुछ ही मिनटों में जो है मटन बनकर तैयार होने वाला है, बहुत ही स्वादिष्ट मटन, चूल्हे की आग के ऊपर बहुत ही देहाती तरीके से जो है मटन करी रेसिपी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी मेरा साथ दें इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, मटन करी धीरे धीरे बन रही है, लगभग जो है बनकर तैयार हो चुकी है मटन करी, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मटन जो है वो लगभग तैयार हो चुका है पककर, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरी आई है ऊपर। और अब इसको जो है 2 से 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे, तो वीडियो में लगातार बने रहें। ये देखिए मटन बिल्कुल जो है पानी जल चुका है, लगभग आधा पानी जल चुका है, और थोड़ा सा पानी बचा है वो भी जल जाएगा, और मटन बहुत ही स्वादिष्ट मटन बनकर तैयार होने वाला है। तो वीडियो में लगातार बने रहें, बस कुछ ही मिनटों की बात है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट मटन बनकर तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मटन बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे, बहुत ही अच्छा मटन बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।